अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको समोसे की आलू के समोसे की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हम मैदा का आटा लगा लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे आधा घंटा हमको रेस्ट देना रहेगा, तो उस बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। मैंने ये 2 कप आटा लिया है और इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको मेजरमेंट बताऊँगी। इसका हम आधा कप इसका मोरन डालेंगे, आधा कप मीन्स ये या 2 नंबर का कप ले सकते हैं, यहाँ तक का हम इसमें मोरन डालेंगे। ये नमक डाल रही हूँ मैं, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने ये आधा चम्मच डाला है। ये आधा कप भर के हम इसके अंदर तेल डालेंगे। मोरन अच्छा डालेंगे तो बहुत खस्ता बनेंगे। ये देखिए आधा कप है, ये मैं आधा कप इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। अब इससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक और मैदा तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे टाइट डो बना लेंगे। हमेशा समोसे की जो पट्टियाँ बनाते हैं उसकी हमेशा टाइट डो बनाते हैं ताकि समोसे अच्छे खस्ता बने। पूरी से भी थोड़ा ज़्यादा टाइट रखना पड़ता है, इसका आटा एकदम सॉफ्ट नहीं रखते। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा टाइट गूंद लूँगी। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे गूंथते जाइए, मिक्स करते जाइए, तो ये एकदम टाइट बनेगा। थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसे भी मिक्स कर देंगे इसके साथ ही। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम इकट्ठा डाल देंगे तो ये नरम हो जाएगा। देखिए एकदम टाइट आटा हमने लगा लिया है। अब बस इसको हम चिकना कर लेते हैं। 2 बूंद तेल डालेंगे इसमें 2 बूंद हम तेल और डालेंगे और इसे चिकना करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए एकदम टाइट आटा मैंने लगा लिया है। अब इसे हम आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ये 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खड़ा मसाला, खड़ा धनिया, ये दोनों का हम ड्राई रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। हल्का सा भूनना है। ये देखिए हमने सौंफ और खड़ा धनिया को भून के दरदरा पीस लिया है। अब इसी में हम आधा चम्मच अनारदाना भी ऐड कर देंगे। ये सूखा अनारदाना है, ये भी ऐड करके इसको भी दरदरा पीस लेंगे स्टफिंग के लिए। देखिए अभी स्टफिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये इस तरीके से है। ये आलू है, इसे मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करके मैंने इसको पील ऑफ करके रख दिया है। साथ ही ये मसाले हैं, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है मैंने, ये गरम मसाला पाउडर है, बिल्कुल आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। और ये अमचूर पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून लिया है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर हसब ज़ायका, हरा धनिया लिया है ये, इसको मैंने बारीक कर बिल्कुल काट के रखा है। साथ ही ये कुछ हरी मिर्चें हैं और ये एक छोटा टुकड़ा 1 इंच टुकड़ा अदरक का है जिसे मैंने छील कर और धोकर रखा हुआ है। साथ ही इसमें ये धनिया और सौंफ और अनारदाने का जो हमने पाउडर बनाया है वो ये है, और ये है शक्कर, 1 टेबल स्पून शक्कर है। तलने के लिए हमें तेल की ज़रूरत लगेगी। अब सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं।
एक फ्राई पैन में हम थोड़ा तेल गरम करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब तेल ले रही हूँ मैं इसमें। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच या आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। जब ज़ीरा अच्छे से तड़कने लग जाए तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। इसे इस तरीके से थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल देंगे, ज़्यादा छोटे छोटे, बिल्कुल मेश नहीं करना, बस थोड़ा सा आलू के पीसे रखना चाहिए। इस तरीके से इसमें डाल देंगे सब मेश करके। ये देखिए हमने मोटे मोटे पीसेस ये आलू के से तोड़ दिए हैं, बिल्कुल हमने मेश नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े टुकड़े बनाने हैं छोटे छोटे। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, ये हरी मिर्च है, हरा धनिया, सारे सूखे मसाले, साथ ही इसमें खड़ा ये और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैं इसको घिस कर इसमें डालूंगी कद्दूकस करके। कुछ लोग समोसे में किशमिश डालना भी पसंद करते हैं, अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका भी। अब हम इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट भाप में अच्छे से पकाएंगे ताकि सारी की खुशबू एक समान हो जाए, चारों तरफ फैल जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब इसे मैं ढककर 2-3 मिनट पकाऊंगी ताकि सारी खुशबू एक समान हो जाए। देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम ठंडा कर देंगे। गैस हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसके हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे, देखिए ये साइज है। देखिए ऐसे पेटीज जैसी बना ली, अब हम इसे थोड़ा बेलेंगे। देखिए इसे मैंने लंबे आकार में, थोड़ा से देखिए लंबे आकार में बेला है, और इसे हमें बीच में से स्ट्रेचिंग तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक रोटी के अंदर हमारी 2 समोसे बनेंगे। अब मैं आपको इसको भरना बताती हूँ। थोड़ा पानी लेंगे, पहले हम यहाँ पर इसके किनार पर पानी लगा देंगे। ये देखिए अब इसे ऐसे उठाइए और इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए ताकि कोन का शेप आ जाए। ये देखिए ये कोन का शेप आ गया ना, इसको यहाँ से अच्छे से दबा दीजिए। ये देखिए अब इसमें हम ये हमारी आलू की स्टफिंग भरेंगे। अच्छा भरिए थोड़ा मसाला ताकि थोड़ा अच्छा ज़्यादा मसाला बाइट में है। ये देखिए मैंने इसके अंदर अच्छे से मसाला भर दिया है। अब मैं इसके इस किनारे पर, ये देखिए गौर से, मैं इस किनारे पर पानी लगाऊंगी और उसको इस तरीके से चिपका दूंगी। इससे हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा शल लेंगे, ऐसे शल लिया और इसको ऐसे खींचते हुए हम यहाँ पर इसको पैक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा समोसा रेडी है, रेडी है। हम इसी तरीके से सारे समोसे भरेंगे। मैं एक और बताती हूँ आपको, यहाँ किनार पे पानी लगाइए, आधी रोटी है हमारी, इस पर यहाँ पे पानी लगाइए, हाथ में लीजिए इसे और इसे इस तरीके से
कोन का शेप लीजिए और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा। दबाने के बाद हम इसको ऐसे बनाएंगे, कोन बन गया है हमारे बहुत अच्छा सा। इसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे, ये देखिए सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। और देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये दोनों उंगलियाँ लेंगे और यहाँ से हल्का सा एक शल दे देंगे और शल देने के बाद हम यहाँ पर पानी लगाकर इसे भी चारों तरफ से चिपका देंगे। सिल अच्छे से कीजिए ताकि ये खुले ना। ये देखिए बस ऐसे दबाते हुए हम ऐसे दबा देंगे चारों तरफ से। ये देखिए हमारा समोसा रेडी। देखिए हमने इधर तेल गरम करने रख दिया था, अब इसमें हम ये जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें एक के बाद एक समोसे हमारे तल के निकाल लेंगे। अच्छे गोल्डन होने तक हम इसे तलेंगे। देखिए हमारे समोसे एकदम गोल्डन कलर के अच्छे से हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, खूब अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे समोसे रेडी हैं बिल्कुल। आप इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा ध्यान रखिए आटा गूंदते वक्त, तो आपके समोसे कभी नहीं बिगड़ेंगे, हमेशा टाइट आटा गूंदे, बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल ना करें उसे। मोरन अच्छा डालें उसमें, तेल का डालें या घी का डालें जो आपकी पसंद हो, लेकिन उसमें तेल अच्छी क्वांटिटी में डालें और मीठे सोडे का बिल्कुल प्रयोग ना करें इसके अंदर। स्टफिंग बहुत टेस्टी बनी है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।